फ्रेंच फ्राइज बनाने के आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, लेकिन आज का जो तरीका आप देखेंगे ना, इस हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो एकदम आसान लगेगा आपको। और इसे बनाकर आप कुरकुरे भी रख सकते हैं और हर किसी को पसंद आएंगे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो। इसमें मात्र आपको अरारोट मिलाकर ही बनाना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है। बाकी के ढेर सारे पॉइंट आपको वीडियो में बताए गए हैं, वीडियो को कंटिन्यू देखिए और फ्रेंच फ्राइज बनाना सीखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हम आपको परफेक्ट तरीका बताने वाले हैं, इसमें लगने वाली सभी सामग्री। सबसे पहले हम यहाँ पर आलू लिए, हमने बड़े बड़े साइज के देखकर आलू लिए हैं। ये आलू है देखो, और इन आलू का सबसे पहले हम छिलका जो है ऊपर का अलग करेंगे और आलू को साफ करके वापस पानी के अंदर ही रखेंगे। तो ये इस तरीके से पहले हम आलू को छील कर ले लेते हैं। तो ये देखिए, एकदम साफ छिलका निकाल कर यहाँ पर इसको वापस इसी पानी के अंदर रखेंगे ताकि आलू का जो कलर है वो काला ना हो। तो सेम इसी तरीके से हम सभी आलूओं को साफ करके ले लेते हैं। तो ये आलू हमने यहाँ पर पूरे छिलके निकाल कर ले लिए हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो है इस आलू का फ्रेंच फ्राइज कट करेंगे। तो कट करने के लिए हम जो है इसको पहले इस तरीके से इस आकार पर कट करेंगे, बिना मशीन के हम बनाएंगे आज। एक आलू का हम आपको बता देते हैं पहले। तो देखिए, जैसे कि मैंने ये बड़ा सा स्लाइस कट कर दिया है, अब इसमें से हम एक ही आकार की फ्रेंच फ्राइज कट करेंगे। ये देखिए, अब आलू बड़ा है तो फ्रेंच फ्राइज यहाँ पर बड़ी बनेगी, अगर आलू छोटा रहेगा तो छोटी साइज की बनेगी। अब आप चाहो तो इसके दो भाग भी कर सकते हैं, जैसे आपके ऊपर। अभी जैसे मैं इसके दो भाग कर देता हूँ तो ये क्या होता है ना, इस साइज की फ्रेंच फ्राइज हमारी थोड़ी अच्छी दिखेगी। ये साइज हमारे लिए परफेक्ट है, तो हम इसी साइज की पूरी फ्रेंच फ्राइज कट करके ले लेते हैं। और यहाँ पर कट करते हुए सबको पानी में डालेंगे ताकि इसका कलर चेंज ना हो। तो इसी तरीके से पूरा कटिंग करके हम ले लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से पूरे आलूओं का जो फ्रेंच फ्राइज यहाँ पर कट करके ले लिया है। और ये बिना मशीन के आप बिल्कुल एक जैसे फ्रेंच फ्राइज कट करेंगे, एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। बस आपको जो है इस तरीके से थोड़ा हैबिट बना लेना है, रेगुलर कट करते हैं तो। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज को हमने इस पानी में साफ करके रखा है, और ये साफ पानी है और ठंडा पानी है। ठंडे पानी में क्या होता है, इसको रखने से इसके ऊपर का जितना भी स्टार्च होता है ना, वो जो नम जो निकल जाता है। और फ्रेंच फ्राइज को हम दो से तीन पानी में धोएंगे बार बार, तब जाके ये अच्छी तरीके से साफ होगी। तो अभी आप देख सकते हैं इसका कलर। तो आलू का जो कलर है वो आप देखिए, एकदम बढ़िया चमक रहे हैं आलू। और हमारे फ्रेंच फ्राइज जो है इसका स्टार्च भी निकल रहा है। और इसको अभी यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं इस वाले बर्तन के अंदर। तो यहाँ से यहाँ आएगा ना तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और इसमें भी हम इसको 15 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रखेंगे, उसके बाद में फिर से साफ करके एक दूसरे पानी में लेंगे, उसके बाद में हम इसकी फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, इनको फ्राई करेंगे। तो दूसरा ये जो पानी था, इसमें भी हमने इसको 15 मिनट रखा है। अब वापस, अभी ये लास्ट स्टेज है, इस पानी से निकाल कर हम इस ठंडे पानी के अंदर डालेंगे, तब जाकर हमारी आलू फ्रेंच फ्राइज जो है
परफेक्टली बनेगी। देखिए कितना ताज़ा दिख रहा है, एकदम फ्रेश दिख रहे हैं। तो अभी दोस्तों एकदम फाइनली अब इसको फ्राई करने का टाइम आ चुका है। इस पानी में अब इसको 5 मिनट और रखेंगे, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। अब यहाँ पर फाइनल प्रोसेसिंग, तो यहाँ से इसको जो है निकाल पानी को अच्छी तरीके से निचोड़ कर इसके अंदर डाल देना इनको। देख सकते हैं साउंड, देखा आपने अच्छी तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग साउंड आ रहा है। यहाँ पर तेल भी देख सकते हैं, सनफ्लावर तेल मैंने लिया है और तेल यहाँ पर मीडियम आंच पर गर्म हो रहा है। अब यहाँ पर एक वाइट कपड़ा लिया है, इस वाइट कपड़े से हम इसको इस तरीके से देखिए इसके ऊपर जो पानी रहता है थोड़ा बहुत वो पानी सुखा देंगे पूरा। कॉटन का कपड़ा लेना। कॉटन के कपड़े से पानी जल्दी से सूख जाता है। आपको ऐसा नहीं होते तो उसको ऐसा बिछा कर उसके ऊपर पूरे रखकर उसके बाद में भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे ये देखो, इस डब्बे के अंदर है अरारोट। अरारोट यानी वही कॉर्नफ्लोर, जो कॉर्नफ्लोर होता है वही, तो कॉर्नफ्लोर हम इसके ऊपर छिड़केंगे। आपको दूसरा कुछ भी मैदा वगैरह कोई भी आटा यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर लेना है और कॉर्नफ्लोर से इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम इसकी कोटिंग करेंगे, तब जाके अच्छी तरीके से कुरकुरे और फ्राई होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ये नमक ऐड कर देते साथ में, और अब हम इसको जो है दोनों हाथों से अच्छी तरीके से इसको पूरा कोटिंग करेंगे। अरारोट से इसकी जो कोटिंग होती है ना वो एकदम परफेक्ट होती है और अच्छी तरीके से ये फ्राई होते हैं। अरारोट एकदम अच्छा सिपक जाते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए हम आपको पूरा प्रोसेसिंग बताते हैं। तो यहाँ पर से देखिए ये जो है फ्रेंच फ्राइज, यहाँ से इसको लेना है और हमने यहाँ पर तेल के अंदर जो जारा रख दिया है, जारे के ऊपर फ्रेंच फ्राइज को हम डालते हैं। एक बार में जितना आएगा उतना डाल देंगे और फिर इसको ऊपर नीचे करते हुए इसको फ्राई करेंगे। तेल का टेम्परेचर मैंने यहाँ पर मीडियम आंच पर रखा हुआ है ताकि हमारे फ्रेंच फ्राइज अच्छी तरीके से पकेगी। और तो देखिए एक बार में इतना हमने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पकाएंगे ना तो जल्दी पकेंगे और अच्छी तरीके से पकेंगे। अगर हम एक साथ में पूरे डाल देंगे ना तो वो फिर क्या होंगे ना, पूरे एकदम अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं और सही तरीके से वो पकेंगे नहीं। कम क्वांटिटी में हम इसको अच्छी तरीके से पका सकते हैं। काफ़ी चीज़ों का इसमें आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच फ्राइज के ऊपर आपको दूसरा कोई डो नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अरारोट यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमारी फ्रेंच फ्राइज मीडियम आंच पर पक रही हैं, ये देखिए, और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसको पकाने का जो तरीका है वो आप इस वीडियो में कंटिन्यू देखेंगे तो आप जब भी बनाएंगे एकदम परफेक्ट बनेगी। अब दोस्तों देखिए 1 मिनट हमने इसको फ्राई किया है, 1 मिनट के अंदर हमारी फ्रेंच फ्राइज हाफ फ्राई हो चुकी हैं, यानी कि आधी कुरकुरी हो चुकी हैं। इसको हम अभी ले लेंगे बाहर, इस स्टेज पर इसको बाहर ले लेना, इसका कलर ज़्यादा हमें गोल्डन नहीं करना है। ये देखिए अभी ये नरम है, ठीक है ना, हाफ फ्राई कर दिया ना तो ये अभी ये नरम है, और जब हम इसको सेकेंड फ्राई करेंगे ना सेकेंड बार दूसरी टाइम तो ये अच्छी तरीके से कुरकुरी होगी। तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसको दूसरी बार फ्राई करेंगे, ठीक है ना, और अभी ये पड़ी रहेगी ना तो हल्की हल्की कुरकुरी हो जाएगी, और तब तक हम वहाँ पर जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसको भी हम इसी तरीके से हाफ फ्राई करके ले लेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं पूरी फ्रेंच फ्राइज ऊपर तैरने लग चुकी है, यानी कि ये 1 राउंड के लिए बन चुकी हैं, हाफ फ्राई हो चुकी हैं। इसको भी हम ले लेते हैं तेल से बाहर, फिर तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करेंगे, फिर दोनों को एक साथ में पकाएंगे। हाँ करो, तो ये देखिए यहाँ पर ले लिया है
देख सकते हैं ये भी हाफ फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छा कलर है, अभी भी इसका ज़्यादा कलर लाल हुआ नहीं है, और जब हम इसको सेकेंड फ्राई करेंगे तब इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा डार्क हो जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पर फाइनली यहाँ पर हम पूरे फ्रेंच फ्राइज फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं सेकेंड टाइम के लिए। अब हम इनको मीडियम आँच से थोड़ा हाई फ्लेम पर कंटिन्यू 5 मिनट तक पकाएंगे, तब जाकर ये अच्छी तरीके से कुरकुरे और शानदार बनेंगे। इनको बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है, तब जाकर ये एकदम परफेक्ट तरीके से पकेंगे। ऐसा करेंगे तो सभी का कलर एक जैसा आएगा, नहीं तो फिर कोई लाल या कोई कच्चे रह जाएंगे। तो दोस्तों फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हो चुकी हैं, देख सकते हैं बढ़िया कलर आया है, हल्के हल्के लाल और एकदम सुनहरे हो चुके हैं। तो आप इसको कंटिन्यू देखिए, तो यहाँ से इनको ले लेते हैं हम यहाँ पर, और जब यहाँ पर ये 10 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहेंगे ना, तो इसके अंदर और अच्छा कुरकुरापन आएगा। तो ये दोस्तों पूरी फ्रेंच फ्राइज हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, 10 मिनट हो चुका है, ये हल्की हल्की ठंडी हो चुकी हैं और हल्की हल्की कुरकुरी हो चुकी हैं। अभी यहाँ से हम इसको लेते हैं, एक प्लेट में सजाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमारी प्लेट यहाँ पर तैयार। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करना, इस रेसिपी को आप भी बनाना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आप लोगों के लिए हम निरंतर नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अब दोस्तों इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, ये जो तेल हमने यूज़ किया है सनफ्लावर का, तो इसको अरारोट का कोटिंग किया था, तो अरारोट की जो मात्रा होती है थोड़ी बहुत इस तेल के अंदर रह जाती है, जैसा कि आप अभी नीचे देख रहे हैं पूरी जमी हुई है। ये देखिए ये जमी हुई है ना, ये देखिए, तो इसके अंदर आलू का स्टार्च भी है और ये अरारोट भी है। अब यहाँ पर आप इसको जो है किसी ऐसी लोहे की छलनी से, इसको बारीक छलनी से इसको छानकर दूसरी नमकीन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे यूज़ करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, और इस तेल को आप अपने नमकीन के लिए यूज़ कीजिए बिंदास। तो आपको फाइनली ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, और ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल राइडर पटेल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नई वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय, थैंक यू।